हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न फ्री मेहुली। मैं मेहुली आज आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त रिफ्रेशिंग ड्रिंक। वो क्या है वो हम चेक कर लेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरे हर एक रेसिपीज़ की। और जो भी इन्ग्रीडियंट्स मैं यूज़ कर रही हूँ वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ वो है मसाला बटर मिल्क। मसाला बटर मिल्क बहुत ही रिफ्रेशिंग है। आप धूप में से घर आ रहे हो तब भी आप इसको ले सकते हो। ये आपको रिफ्रेशमेंट देगा और जो अनइजीनेस आपको होता है वो भी ये दूर करेगा। ये एक बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक है और समर में आप रोज़ इसको ज़रूर से ज़रूर पिए और मिनटों में ये बन जाता है। चलिए आज चेक कर लेते हैं कैसे मसाला बटर मिल्क बनाते हैं। जो बटर मिल्क जो हम हिंदी में छाछ बोलते हैं या बंगाली में उसको बोलते हैं घोल। चलिए रेसिपी चेक कर लेते हैं। मसाला बटर मिल्क के लिए हम लोग ले लेंगे धनिया पत्ता, साथ में कुछ पुदीने का पत्ता, एक ग्रीन चिली और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा चिल्ड वाटर और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। 20 सेकंड्स के लिए इसको हम लोग ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए इसको हमने ग्राइंड कर लिया है। अभी इसमें ही हम लोग डाल देंगे दही, जो घर पे बनाया हुआ जमाया हुआ दही है। घर पे दही कैसे जमाते हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इसमें डाल देंगे हम लोग थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, और हल्का सा जीरा पाउडर बाद में। ये भुना हुआ जीरा का पाउडर है, मैंने हल्का सा इसको ड्राई रोस्ट करके पाउडर बना के रखा है। इसको डाल दिया और अभी इसको ग्राइंड कर लेते हैं। ये हमने ग्राइंड कर लिया है, इसको अब एक बड़े प्याले में डाल देंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम लोग चिल्ड वाटर इसमें डालेंगे और मिक्स करेंगे। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा वाइट नमक, थोड़ा सा ड्राई रोस्टेड क्यूमिन पाउडर और थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट। इसको अच्छे से फेंट लेंगे और पानी चाहिए। आपके पास अगर दाल घुटनी है तो आप उससे भी ये कर सकते हो। ये हो चुका है, अभी हम इसको सर्व करेंगे ग्लास में। अभी हम इसके ऊपर से थोड़ा सा जीरा, ड्राई रोस्टेड जीरा पाउडर डाल देंगे। और पुदीने के पत्ते के साथ इसको हम सर्व करेंगे। मसाला बटर मिल्क रेडी हो चुका है। गर्मियों में आप ज़रूर इसको पिए। इसको भी इसमें विटामिन ए, विटामिन डी रहता है तो ये शरीर के लिए बहुत अच्छा है। और जो हमको गर्मियों में अनइजीनेस होता है उससे भी ये राहत देते हैं। तो ज़रूर इसको रेसिपी को ट्राई कीजिए और आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे लाइक और कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।